चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम दो स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट के स्टेट कोटा रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें जो कैंडिडेट MBBS, BDS, BMS, BPT, BOT, BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट एक क्लोज स्टेट है, यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट ही इस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ की प्राइवेट कॉलेज में 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है। उस इंस्टीट्यूशनल कोटा के तहत अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी NRI फीस होती है। NRI की जो फीस है वही फीस उन कैंडिडेट के लिए भी लागू होगी। तो अगर आप इस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार हम इसका एडमिशन प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो अपलोड हो चुका है 28 दिसंबर 2021 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 30 दिसंबर 2021 से, लास्ट डेट रहेगी इनकी 5 जनवरी 2022। और ये जिन जिन कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, BPT, BOT, BSLP, BPNO और BSc नर्सिंग, इन कोर्सेज के लिए ये अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें सबसे पहले MBBS, BDS की काउंसलिंग होगी, उसके बाद में बाकी कोर्सेज की काउंसलिंग होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले ही हो रहे हैं। अभी जो बाकी शेड्यूल आएगा वो MCC की काउंसलिंग के बाद ही इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो 30 दिसंबर से लेके 6 जनवरी 22 तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद में जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी वो 8 जनवरी 22 को पब्लिश हो जाएगी। तो ये कंडीशन थी महाराष्ट्र स्टेट के एडमिशन के लिए। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स से स्कैन करके अपलोड करने हैं, और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपने ले लेना है। तो ये सिंपल सी स्टेप होंगी इनके रजिस्ट्रेशन करते समय महाराष्ट्र स्टेट का। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। चंडीगढ़ में जो एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जिन कैंडिडेट ने 10th, 11th, 12th क्लास चंडीगढ़ से पास कर रखी है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं स्टेट कोटा 85% कोटा के लिए। यानी कि इसमें जो 2020 में था वो 11th, 12th पास का क्राइटेरिया था और 19 में 12th का था, तो इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चंडीगढ़ का वो 10th, 11th, 12th पास होना चाहिए चंडीगढ़ से, तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें दो प्रकार की सीटें हैं, एक 15% ऑल इंडिया कोटा है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा से तो सभी कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो 85% कोटा है उसके लिए कंडीशन जो मैंने आपको बताई वो कंडीशन है। इसमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए चंडीगढ़ द्वारा खुद द्वारा ही मेडिकल कॉलेज द्वारा इसमें एडमिशन करवाया जाता है। तो ये दो स्टेट की काउंसलिंग अपडेट थी, रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं अभी। काउंसलिंग का जो बाकी शेड्यूल है अलॉटमेंट का वो MCC के बाद में होगा। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।